Assalamualaikum. My name is Mohammad Usman and I am your maths teacher. Today is 19th January 2021, day 7 lecture. Okay, beta? Class 5, you know, we were doing geometry and exercise 7b. We started in previous lectures. Today, we will further continue with question number 4 se question number 7. Tha. Okay, beta? So, dekhe, page number hai aapki book 130. Question number 4 है, find the complementary angles of the given angles. ये angles आपको given है, आपने इनके complementary angles find करने हैं. आपको मालूम है previous lecture में मैंने आपको complementary angle के बारे में बताया था, definition भी लिखवाई थी. Complementary angles are those angles whose sum is 90 degree. ठीक है, जिनका sum 90 degree आता है angles का, two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. तो आपको मालूम है अगर एक एंगल 65 डिग्री का होगा तो दूसरा कितना होगा 90 डिग्री में से माइनस करते हैं बेटा ये वाला एंगल तो दूसरा एंगल जो आ जाएगा दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके बेटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 25 डिग्रीज. अब देखिए ना 65 और 25 को आप प्लस करें तो 90 आता होगा. ठीक है, तो अगर आपको एक एंगल दिया जाए और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम करने को कहा गया हो तो आप सिंपल 90 में से उसको माइनस कर दिया करें तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट हो जाता है. 12 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 डिग्री में से माइनस करते हैं बेटा 12 तो आंसर आएगा 78 डिग्रीज. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 78 डिग्रीज. इसी तरह 82 डिग्री का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखने तो सिंपल सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होते हैं तो 90 डिग्री में से आप माइनस कर दें 82 तो जो एंगल आएगा दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 82. तो 8 डिग्री आंसर आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 8 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसे ही है, जस्ट इसमें क्या आ गया सप्लीमेंट्री एंगल्स आ गए. कहते हैं फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो. ओके बेटा, जो एंगल्स आपको दिए गए इनके आपने क्या करने हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं. तो आपको डेफिनेशन मैंने करवाई थी प्रीवियस लेक्चर में, मैं रिपीट करता हूं, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180. अगर टू एंगल्स का सम 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. अगर एक एंगल 165 है तो दूसरा क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल, ये आपने मालूम करना है. सिंपल सी बात है बेटा 180 में से माइनस कर दे 165 तो जो आंसर आएगा वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा. तो 165 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हुआ 15 डिग्री. अब है 49 डिग्री. 49 डिग्री का भी आपने बेटा क्या फाइंड करना है सप्लीमेंट्री एंगल. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है ना, तो 180 में से माइनस कर दे 49 तो आंसर आएगा 131 डिग्री. तो 49 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 131 डिग्री. ओके बेटा, इसके मेनी पार्ट्स बहुत आसान है, 180 से जस्ट एंगल को माइनस कर दिया करें तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाया करेगा. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर. कहते हैं ये राइट एंगल्स मैंने आपको बना के दिए, आप इनमें से क्या करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने फाइंड करना है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x, x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात है उसने कहा था यूजिंग अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर्स की हेल्प लेके आप फाइंड कर सकते हैं. आप नॉर्मली भी फाइंड कर सकते हैं और प्रोटेक्टर से भी फाइंड कर सकते हैं बेटा, आपके पास दोनों मेथड्स हैं. ठीक है ना, तो प्रोटेक्टर से जब आप करेंगे तो वही आंसर आएगा जो आप नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे. अब चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो आपको मालूम है कि इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री. तो अगर ये 35 है तो ये कितना होगा, जी हाँ इसको आप जब मेजर करेंगे तो ये 55 डिग्री का आएगा. ठीक है, तो 35 और 55 डिग्री कितने होते हैं दोनों 90 डिग्री. x की वैल्यू 55 डिग्री होगा तो दोनों का सम 90 डिग्री आ जाएगा. तो इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x की वैल्यू कितनी है इसमें 55 डिग्री. इसी तरह हमारे पास ये देखिए ये भी एक राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है. तो आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन में क्या होता है, दोनों का सम 90 डिग्री होता है. अगर ये 20 है तो ये कितना होगा फिर 70 और 20 90 डिग्री, x डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री. तो आपके पास एंगल x की वैल्यू आ गई है 70 डिग्री. तो आपने एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आपने फाइंड आउट कर ली है, x इक्वल टू 70 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से, और y की वैल्यू फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ y आपकी बुक की स्टेटमेंट है. इन द गिवन सेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सेट दिया गया सप्लीमेंट्री एंगल्स का. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सेट दिया गया, आपने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो आपको मालूम है सप्लीमेंट्री एंगल्स अभी भी मैं समझा के आया था क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा था कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180. तो इट मींस इन दोनों का सम क्या होगा, जी हां 180. ओके, तो अब आपने y की वैल्यू
136 डिग्री आंसर आएगा। तो y की वैल्यू आपने निकाली बेटा 136 डिग्री। अब है b पार्ट, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इनका सम भी क्या होगा, दोनों का 150 और y का सम 180। और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 150 प्लस वन है, इसको राइट हैंड साइड पे जाके माइनस कर देंगे, इनको माइनस करने से आंसर आ गया 30 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, दिस इज द आंसर। इसी तरह इन दोनों का सम भी क्या होगा 180, y plus 85 is equal to 180, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और plus 85 जाके minus 85 होगा, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 95, तो y की वैल्यू आ गई 95 डिग्री। लास्ट पार्ट देखते हैं, ये है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपको मालूम है कि उनका सम कितना होगा इक्वल्स टू 180। तो आपने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, y इतनी देगा 100 प्लस हो रहा है, 100 उधर जाके माइनस का कर दिया, तो चूंकि वैल्यू प्लस की होती है वो तो जाके माइनस हो जाती है, तो इनको माइनस करने से आंसर 80 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी, जी हाँ 80 डिग्री, दिस इज द आंसर। अब बेटा आपने इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को आपने उनके डेफिनेशंस को भी याद रखना है, और इनको पता होना चाहिए कि इनको कैलकुलेट किस तरह करते हैं। ठीक है बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।